देखिए, क्लास 7 का हिंदी का जो आज 20 तारीख को पेपर हुआ है ना आपका, तो उसके ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इवनिंग शिफ्ट के। और जब इसके ऑफिशियल आंसर भी आएंगे ना, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो पहले का जो क्वेश्चन का आंसर है वो ग है, गर्मी, ठीक है। उसके बाद आप देख लो फटाफट से, आप अपने आंसर मैच कर लेना। आपका पेपर कैसा गया, पेपर ईजी था या हार्ड था, ये भी आप ज़रूर बताना। सेकेंड का जो है का है, और फिर दूसरा कुछ क्वेश्चन का जो है पहले का गा है, दूसरे का गा है, तीसरे का का है, काली, ठीक है। ऐसे आप आराम से इसको देख भी सकते हो और अपने क्वेश्चन पेपर में भी निशान लगा सकते हैं। फिर इसका का है, तीसरे का है, और चौथे का खा है, पताल, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन आ गया ये, फिर इसका गा है और इसका खा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड का जो है खा है, फोर्थ का खा है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आ गया, तो इसके भी आप अपने आंसर फटाफट मैच कर लो। पहले का घा है, ठीक है। उसके बाद गा है, तीसरे का है, फिर चौथे का है, पांचवे का खा है, ठीक है। मतलब छठे का पहले का खा है और सेकंड का घा है, जंगल की सड़क पर। अब ये 7th क्वेश्चन है, इसका गा है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड का है ये का, ठीक है, पहले आंसर सही है। अब ये सेक्शन B स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें से आपको व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये 10वां क्वेश्चन है, तो ये तो प्रश्न उत्तर है इसका, तो आपको लॉन्ग में लिखने पड़ेंगे, शॉर्ट में लिखने पड़ेंगे। इसमें से आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने थे 5 में से, तो 5 में से 4 आपने जोन से भी करे हैं, आपने बता देना, ठीक है। और ये 12वां क्वेश्चन है, और ये 13वां क्वेश्चन, जो MCQ थे वो ऑलमोस्ट सारे करवाई दिए, तो क्वेश्चन आंसर है तो आपने बुक में से आप चेक कर सकते हैं आपको कितना लिखा, कैसे लिखा है, ठीक है। और इसी तरह ऑफिशियल आंसर आएंगे ना, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।